हाँ जी, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, राम राम। भाटिया आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल का पार्ट 4 एमसीक्यू के द्वारा। और इस पार्ट 4 में आपके जो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वेश्चन क्रमांक 46 से लगा करके टोटल लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन 60 रहेगा। यानी टोटल यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1, 2 और 3 पढ़े हैं, प्रत्येक पार्ट में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 से संबंधित, और इसके बाद में एक लास्ट प्रजामंडल का पार्ट 5 आएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे और प्रजामंडल से संबंधित जो ट्रिक रहेगी उन ट्रिक पर हम करेंगे चर्चा। तो चलिए इसमें पार्ट 4 का 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, ठीक है जी। तो 46वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 जुलाई 1946 की बात कर रहा है। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजा परिषद ने तिरंगा जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। ये रायसिंह नगर किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर चूरू? चार ऑप्शन है। तो ये बात कह रहा है कि रायसिंह नगर में एक गोली कांड होता है, ठीक है जी। और ये जो घटना होती है 1 जुलाई 1946 को होती है, 1 जुलाई 1946 को होती है। और इस घटना कांड में जो कौन व्यक्ति है वो मारा जाता है, बीरबल नाम का जो व्यक्ति है वो मारा जाता है, यानी इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रायसिंह नगर है वो किस जिले में पड़ता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका रहेगा, गंगानगर जिले में पड़ता है रायसिंह नगर। अगर ये पूछ ले कि जो रायसिंह नगर है वो किस रियासत में पड़ता है, तब आपकी रियासत कौन सी हो जाती है? बीकानेर रियासत होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन है, ठीक है जी। तो बीरबल, यहाँ पर बीरबल सिंह नाम का व्यक्ति है वो सही है। प्रश्न संख्या 47, त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? ये आपको पूछ रहा है कि सर त्रिलोकचंद माथुर जो आपके करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो ये सभी के सभी व्यक्ति किस प्रजामंडल से संबंधित होंगे? ये आपके करौली प्रजामंडल से संबंधित होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, करौली प्रजामंडल से संबंधित। अगला प्रश्न, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब होती है? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1934, 1936, 1940 या फिर 1938। यानी इस प्रश्न में हमने पहले जो वीडियो थे उनमें ट्रिक यूज की थी कि सर एबीसी अलवर, भरतपुर और करौली तीनों प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में होती है, और डी मतलब जो धौलपुर है उस प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? सर 1936 में होती है, ठीक है। करौली को लेकर के अलग अलग जब आप बुक पढ़ेंगे तो उन बुकों में अलग अलग डेट लिखी हुई मिलती है। एक डेट आती है आपकी 1938 और एक डेट आती है 1939। अगर जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न में ये दोनों डेट नहीं लिखी होगी, यानी जो दोनों सन है वो नहीं लिखी होगी, दोनों में से कोई एक सन लिखी होगी। 1938 इसका जो सर्वमान्य जो आंसर है वो सही है। अगर ऑप्शन में 1938 नहीं आए तो आप कौन सा ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं? सर 1939 की तरफ भी जा सकते, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है? सर डी ऑप्शन 1938। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके 1938, 1937, 1936, 1939। हम बात करेंगे सर एक जो प्रजामंडल है आपका सिरोही, सिरोही जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है? सर 1939 में होती है, 1939 में। और एक जो आपका किशनगढ़ प्रजामंडल है इसकी भी स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसका पहला अक्षर सी, इसका पहला अक्षर थी, यानी जो सिक्का कह सकते हैं कि पहले जो भी सिक्का चलते थे वो सिक्का क्या हो गए? खोटे हो गए। खोटे हो गए मतलब उनका जो चलन है वो बंद हो गया। जैसे अगर हम बात करें 1 रुपए से नीचे के जितने भी जो सिक्के हैं वो अभी नहीं चल रहे मार्केट, उनका चलना है तो बंद हो गया, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे मार्केट में उनका कोई मूल्य नहीं रहा, इसे कह सकते हैं सिक्का। सिक्का से आपको याद रखना सिक्की मतलब सिरोही और किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना वो एक ही वर्ष में होती है 1939 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 1939 में। तो इस प्रजामंडल की जब स्थापना की तो किस व्यक्ति ने की थी? तो आपको याद रखना कांतिलाल चौथानी,
कांतिलाल चौथानी ने सिरोही प्रजामंडल किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की। कांतिलाल चौथानी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। एक कांतिलाल नाम और आता है, कांतिलाल जिसमें सिंपल सा नाम कांतिलाल लिखा हुआ है, यानी उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो किस प्रजामंडल से संबंधित है, सर बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सर इसका पहला अक्षर वो, इसका पहला अक्षर के, तो ये बुक कर दें बूंदी का कांतिलाल। इसका अगर हम बात करें कि सर पहला अक्षर क्या है, किशनगढ़, इसका पहला अक्षर क्या है, का, तो इससे आप ये बना सकते हैं एक ट्रिक, की का, यानी जो ये जो की का है इसमें आ की जो मात्रा एक्स्ट्रा है, इसकी मात्रा एक्स्ट्रा है, आ की मात्रा एक्स्ट्रा है, इधर जो के आ रहा है उसमें कोई मात्रा नहीं आ रहा है, जैसे हम लिखेंगे ना बुक, उसमें कोई के आगे कोई एक्स्ट्रा मात्रा या नहीं आ रहा है, इसलिए जो खाली जो कांतिलाल है वो बूंदी वाले में आएगा, जिसके साथ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा शब्द चौथानी है वो किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित जुड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था, अगला जो आपका प्रश्न है, किसने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता क्या हो, तैयार हो। मोतीलाल तेजावत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोगीलाल पांड्या, महात्मा गांधी, ये चार ऑप्शन है। इनमें से किस व्यक्ति ने ऐसी बात कही थी, तो वो व्यक्ति आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि जहां पर भी अगर आप जन आंदोलन कर रहे हैं, अगर वहां की जनता तैयार होगी तो वह तभी वहां पर क्या होगा, आंदोलन संभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 में यह लिखा है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। सूची एक में आपके जो प्रजामंडल है उनके नाम लिखे हैं, सूची दो में क्या है कि उस प्रजामंडल से संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम लिखा हुआ। अगर हम बात करें कि सर पहली बात करें कि सर ये मारवाड़ प्रजामंडल, तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, कि सर जय नारायण व्यास है, यानी ए में क्या देखना आपको, तीन नंबर देखना, तो ये ए ऑप्शन है, इसमें तीन नंबर का है, इन दो जगह है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन आपके पहले ही कट गए। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन है, माणिक्यलाल वर्मा है, तो बी में एक नंबर देखें सर, बी में एक नंबर आपको सी ऑप्शन में मिलेगा, बाकी नहीं मिलना, तो डी ऑप्शन कट गया, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन हो गया। आगे आप और चेक करना चाहें सर बीकानेर प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कौन है, मगाराम वैद्य है, तो चार नंबर मिल ही रहा है। कोटा प्रजामंडल से संबंधित कौन है, पंडित एबिनहरी है, तो ये दो नंबर मिल गया, इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सा है, अगला प्रश्न आपका है झालावाड़, शाहपुरा, मेवाड़, प्रतापगढ़, इनमें से आपको बताना है कि सर सबसे नवीन प्रजामंडल है वो कौन सा है, यानी सबसे नया जो प्रजामंडल है वो कौन सा है, तो सबसे जो नया प्रजामंडल है वो आपका 1946 ईस्वी में बनता है, और उस प्रजामंडल का नाम क्या है सर, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल है, वो सबसे नवीन प्रजामंडल है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कौन करते हैं, तो स्थापना आपके करते हैं मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य है जो झालावाड़ प्रजामंडल की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। प्रश्न संख्या 53, किस प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई है, किस प्रजामंडल की जो स्थापना है राजस्थान से बाहर और किस जगह पर बंबई में हुई है, इसका ऑप्शन है भरतपुर, जैसलमेर, सिरोही, अलवर, तो इन चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका है सर सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके बंबई प्रांत में होती है। ठीक है, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, अभी हमने चर्चा की सर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है, और उसके जो स्थापना करने का जो श्रेय है, स्थापना किसने की, तो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा स्थापना की जाती है सिरोही प्रजामंडल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 54, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है जो आपके गोकुल भाई भट्ट ने की थी, इस प्रश्न का आंसर क्या है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वृद्धि शंकर शर्मा भीम शंकर शर्मा, समर्थमल किस प्रजामंडल से संबंधित है, भरतपुर, सिरोही, अलवर, करौली। ठीक है जी, तो ये जो आपकी बात कर रहे हैं कि सर वृद्धि शंकर जो शर्मा है, भीम शंकर शर्मा है और समर्थमल है, ये तीनों के तीनों व्यक्ति हैं जो आपके सिरोही प्रजामंडल से संबंधित हैं, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता एवं आयदान सिंह
किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये है कि सर जो सागरमल जी गोपा है वो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है, रघुनाथ सिंह मेहता भी जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है, आईदान सिंह जी है वो भी जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी ये जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। 1932 ईस्वी में जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना किसने की? बात की जा रही है 1932 की, और 1932 ईस्वी में जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुग मंडल की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? आईदान ने, सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह, और या फिर लास्ट ऑप्शन आपका मीठालाल व्यास, इनमें से कौन सा है जिन्होंने इस प्रकार की जो माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना 1932 में की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा आपका रघुनाथ सिंह रहेगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही है। अगर कहीं जैसलमेर प्रजामंडल का स्थापना करने का जो श्रेय वकील को जाता है तो मीठालाल व्यास जी को जाता है। अगला प्रश्न आपका है 58वां। निम्नलिखित में से सागरमल गोपा की पुस्तक है जैसलमेर का भंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुग्धवा, या फिर ये सभी? अगर हम बात करेंगे सागरमल गोपा की तो सागरमल गोपा की ये सभी के सभी क्या थे, ये वो क्या थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या है डी। तो रघुनाथ सिंह जी को जब गिरफ्तार में ले जाता है, उन पर जब मुकदमा चलाया जाता है, तब सागरमल गोपा एक बुक लिखता है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में जो राजाओं और सामंतों के द्वारा जो गुंडा राज चलाया जा रहा था, इसलिए जैसलमेर का गुंडा राज के नाम से एक बुक पब्लिश करते हैं, इन बुक को अपने जैसलमेर क्षेत्र में बंटवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है सर, इनको जैसलमेर से निष्कासित कर दिया जाता है कि आप जब तक जैसलमेर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, जब तक महाराजा का अगला आदेश नहीं आ जाए कि आप जैसलमेर में आ सकते हैं, जैसलमेर से इनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो उस समय जैसलमेर का जो शासक था महाराजा कौन था, तो महाराजा जवाहर सिंह जी थे। जैसलमेर के उस समय शासक कौन थे? जवाहर सिंह जी थे। तो इन्होंने एक आदेश दिया, जारी किया कि किनको निष्कासित किया जाता है, सागरमल गोपा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है डी ऑप्शन है, ये तीनों जो पुस्तक है सागरमल गोपा की है। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल की स्थापना अपनी रियासत से बाहर जोधपुर में हुई है? ठीक है जी, राजस्थान में अगर हम बात करें कि टोटल चार प्रजामंडल है जिसकी स्थापना हम बात करें कि उस जगह पर नहीं होकर कहीं और जगह पर होती है, ठीक है, राजस्थान से बाहर पूछे तो तीन प्रजामंडल, बाकी एक राजस्थान के अंदर ही है जो उस जिले में नहीं होकर के किसी दूसरे जिले में उस प्रजामंडल की क्या होती है स्थापना होती है, तो वो आपका प्रजामंडल कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या है, जैसलमेर प्रजामंडल है, यानी जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर प्रजामंडल में, यानी जोधपुर जिले में होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर जिले में होती है, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? मीठालाल व्यास है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई वो आपके नेक्स्ट प्रश्न में है कि सर जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई है? 15 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1945, 15 दिसंबर 1947, या फिर 15 दिसंबर 1942। ये चार ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से जो सही आंसर आपका जो है बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है कि 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मीठालाल व्यास के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न राइट होने वो आप कमेंट में लिखेंगे। ऐसा कोई प्रश्न जो आपको बहुत परेशान कर रहा है या विवादास्पद है उस प्रश्न को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको बढ़िया डिटेल में नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।